हुकूमत फरागोगी के रेड वारंट जारी करने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआवने खसूसी अदा तारड़ ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरागोगी के रेड वारंट जारी करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआवने खसूसी अदा तारड़ का कहना था कि फवाद चौधरी हर शय के फजाइल बयान कर सकते हैं, उनसे शैतान की फजीलत भी पूछें तो खूब बयान करेंगे। घड़ी साज कंपनी ग्राफ के मुताबिक घड़ी की कीमत 1 अरब रुपये से जायद है। आपने घड़ी की कीमत 10 करोड़ लगाई और 2 करोड़ में खरीदी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि सऊदी वली अहद का तोहफा बेच दिया? आपने 2 जराइम तस्लीम किए कि घड़ी खरीदी है और बेची है। अता तारड़ का कहना था कि आपने चोरी की है और ऊपर से सीना जोरी। आप घड़ी बेच देते हैं और सरकारी खजाने में 10% भी जमा नहीं कराते। फरागोगी ने 35 करोड़ में घड़ी बेची, घड़ी दुबई कैसे पहुंच गई? उमर जहूर को घड़ी नहीं बेची थी तो उनके पास कैसे पहुँची? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मावन खसूसी का कहना था कि फरागोगी ने अरबों की चोरी की, हुकूमत फरागोगी के रेड वारंट जारी करने जा रही है। इमरान खान को चैलेंज करता हूं, या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएं तो चोरी इनकी ही है। फवाद चौधरी ने खरीदने और बेचने का जुर्म कबूल किया, इतने मासूम बन गए कि कैबिनेट डिवीजन ने कीमत लगवाई और उन्हें मालूम ही नहीं हो सका। इनका मजीद कहना था कि मान लिया कि उमर फारूक दुनिया का बुरा तरीन आदमी है, पर इमरान खान से बुरा नहीं हो सकता। उमर फारूक घड़ी टीवी पर दिखा रहा है, आखिर इस तक घड़ी पहुंची कैसे? फरागोगी किस हैसियत से घड़ी लेकर प्राइवेट जहाज पर गई? क्या बनी गाला से कोई मोक्कल उमर फारूक तक घड़ी ले गया?